Hello guys, welcome to Lockdown Tech Study YouTube channel. So today is the topic of conversion binary to decimal. So binary to decimal जिधर आपका conversion करनी है, so आपने कोई एक statement ले हुई है, इसमें आपने convert करना decimal दे बच्चे, so binary का base हो गया 2, so आपने statement means उधर 2, उसके बाद जिधर find out करना आपका decimal, decimal आपका find out करना है, इतनी question mark पाले दिया आपका, उसके बाद उधर base की इंदर decimal दर 10, वो आपका पालिया, हम उसके बाद इन्हें solve कर दिया, देखो 1 सब तो अपन लास्ट डेज भी तो स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर देखो बेस अपना 2 है इस करके मल्टीप्लाई बाय 2 होना है उसके बाद इसकी पावर 0 मतलब कि जैसे स्टार्ट किया 0 तो स्टार्ट करना है सो नेक्स्ट अपने को 1 आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 मतलब कि अपनी पावर जड़ी है वो इंक्रीज होती जाएगी बेस सेम रहना होता बेस अपना रहना है 2 वही रहना है सो नेक्स्ट अपनी वैल्यू अपनी आ गई नेक्स्ट 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 रेज टू पावर 3 हो गई 1 0 1 2 3 प्लस उसके बाद नेक्स्ट 1 अपनी पावर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 4 आ गई सो इस तरह ये जेड़ा आपा सॉल्व कीता सो नेक्स्ट आज इनो आपा सॉल्व करना है और आपा जेड़ा है सारी जेड़ी जितनी भी इनदी पावर आई सारे नु ओपन कर दवांगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 टाइम आपा इनो ओपन कर लिया सो नेक्स्ट आपा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एरी पावर 3 है इनो आपा 3 टाइम ओपन कर लांगे 2 सो इनो आपा 3 बारी ओपन कर लिया सो नेक्स्ट आएगा अपने को 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और तुम सब नु पता कि 0 नु जदों आपा किसी भी स्टेटमेंट किसी भी रकम के नाल जदों गुणा करदे हां देन वो की हो जांदा 0 हो जांदा है सो इथे आपा 0 ही लिख लेंदे हां सो नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस a 2 2 रेज़ टू पावर 1 है सो 2 ही रहे जाएगा सो नेक्स्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0 जो 2 रेज़ टू पावर 0 जब कोई भी स्टेटमेंट रेज़ टू पावर 0 होती है देन वो 1 बन जाती है सो इथे अपना गया 1 सो इनु हम अपन सॉल्व कर लेते हैं 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सो 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 सो ये अपने कितना आ गया 16 नु अपन जो मल्टीप्लाई किया 1 देना 16 ही आ गया उस बार 8 को मल्टीप्लाई किया 1 देना 8 ही आ गया प्लस 0 आ गया प्लस 2 प्लस 1 सो इनु अपन सॉल्व कर लेते हैं 16 प्लस 8 हो गया अपने को 24 प्लस उस बार 2 मल्टी 2 प्लस 1 हो गया अपने को 3 दैट इज 27 सो 27 अपना किया गया डेसिमल सो इथे अपन जेड़ा है डेसिमल मतलब कि ये अपना 27 निकला सो बाइनरी टू डेसिमल जेड़ा है इस तरह सॉल्व कर दिया सो चैनल नु सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना बेल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना थैंक यू सो मच